अपने पसंदीदा टॉपिक्स के बारे में इतनी सारी रिक्वेस्ट देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने टॉपिक्स आप कमेंट्स में रिक्वेस्ट करते हो मैं उनके ऊपर वीडियो बनाकर आपको उन सब चीजों के बारे में भी बता सकूं। और आज की वीडियो उन्हीं में से एक टॉपिक पर है जिसका नाम है बिलीव म्यूजिक। इतनी रिक्वेस्ट थी बिलीव म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन पर और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि बिलीव म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, वो काम क्या करती है, क्या क्या पर्क्स देती है और अगर आप उसका डैशबोर्ड लेना चाहते हो तो आप कैसे ले सकते हो, ले भी सकते हो या नहीं ले सकते और क्या क्या स्कैम्स इन्वॉल्व हैं बिलीव म्यूजिक से रिलेटेड म्यूजिक इंडस्ट्री में। बिना आपका और टाइम लिए चलते हैं आज की वीडियो पर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं म्यूजिक इंडस्ट्री और म्यूजिक बिजनेस से रिलेटेड वो हर एक चीज बताने की कोशिश करता हूं जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को जरूर पता होनी चाहिए और जिसके बारे में ज्यादा नॉलेज ऐसे अवेलेबल नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे। तो आई गेस आपको ये पूरी वीडियो सीरीज पसंद आएगी। अगर आप इसे देखना चाहते हो टॉप से बॉटम तक सारे टॉपिक्स तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यहां पर ऊपर कार्ड्स में भी आप उस पूरी वीडियो सीरीज को देख सकते हो। तो अब हम आते हैं बिलीव म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन पर और देखते हैं कि बिलीव म्यूजिक एक्चुअली में है क्या। सो बिलीव म्यूजिक एक कंपनी है जो आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और लेबल्स को म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को और लेबल्स को। अब बिलीव म्यूजिक की इतनी चर्चा है क्यों मार्केट में, पहले उसकी बात करते हैं। देखिए जो ट्यूनकोर है, ट्यूनकोर काफी फेमस है, इनफैक्ट मैं भी यूज करता हूँ, उसके ऊपर मैंने काफी वीडियोज भी बनाई है। और अगर आप ट्यूनकोर पर अपना म्यूजिक कैसे रिलीज कर सकते हैं वो जानना चाहते हो तो उसकी वीडियो भी आपको यहाँ ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब जो ट्यूनकोर है वो बिलीव म्यूजिक का ही एक सब ब्रांड है, वो भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर बिलीव म्यूजिक खुद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है म्यूजिक को, तो उसने अपना एक और सब ब्रांड जो कि ट्यूनकोर है वो क्यों बनाया है? अब इसका आंसर आपको धीरे आगे जाके वीडियो के अंदर पता चलेगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा। उससे पहले हम बात करते हैं कि बिलीव म्यूजिक क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता है और वो इतना फेमस क्यों है इंडस्ट्री में और हर दूसरा इंसान जो म्यूजिक रिलीज कर रहा है वो बिलीव म्यूजिक का डैशबोर्ड क्यों चाहता है। डैशबोर्ड बेसिकली एक वो प्लेटफॉर्म होता है, अगर आप बिलीव म्यूजिक के साथ साइन अप हो जाते हो, आप उनके साथ म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो आपके नाम का आपको पर्सनल एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करेंगे जहां पे आपको एक्सेस मिलता है अपने सॉन्ग्स रिलीज करने के लिए, सबमिट करने का, और वहां से अगर डिलीट करना हो या उसे कंट्रोल करना हो या कुछ भी करना हो उसका डैशबोर्ड एक आपको दिया जाता है। लॉगिन बेसिकली उसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। तो बिलीव म्यूजिक आपका गाना 350 प्लस मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स या DSPs आप कह सकते हैं उस पर आपका गाना डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कि बहुत ज्यादा है। और कोई भी और डिस्ट्रीब्यूटर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपका सॉन्ग रिलीज नहीं करता है, वो 150 प्लस प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं, बट 350 प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ बिलीव करता है। और बिलीव के कुछ और कंपटीटर्स हैं वो भी करते हैं, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनकी हम बात करते हैं जैसे डिस्ट्रोकिड, ट्यूनकोर, सीडी बेबी एंड डिट्टो, रूट नोट, ये सब लोग 350 मेजर प्लेटफॉर्म्स पे आपका गाना रिलीज नहीं करते। सबसे पहली बात तो आती है ये। म्यूजिक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी हेल्प कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जैसे पहले होता था, अगर आप अपने गाने की कैसेट्स, सीडीज, विनाइल्स, अगर ये सब बनाकर आप फिजिकली स्टोर्स पर देना चाहते हैं जहां से लोग जाके खरीदे और उनको अपने प्लेयर्स पर लगाकर प्ले करें, तो अगर आप वैसी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपने म्यूजिक के चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है बिलीव के थ्रू, और वो 50 कंट्रीज के अंदर ये सर्विस आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं तीसरी चीज पे, जो है वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन। म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग चीज हो गई। वीडियो के लिए अभी तक हम सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंडेंट है और बिलीव यूट्यूब के साथ साथ और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, 50 प्लस वीडियो के स्टोर्स हैं जहां पर बिलीव खुद से आपकी म्यूजिक वीडियो भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा अगर आप चाहते हो तो। उसके बाद आते हैं हम चौथे पॉइंट पे, जो है ऑडियंस डेवलपमेंट। चौथा और पांचवा आपको इकट्ठा बताता हूं, और यही दो पॉइंट्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके लिए लोग बिलीव म्यूजिक का डैशबोर्ड चाहते हैं। ऑडियंस डेवलपमेंट और पांचवा है फाइनेंशियल सपोर्ट। ऑडियंस डेवलपमेंट के अंदर बिलीव आपको सपोर्ट करेगा, कि आपको हेल्प करेगा, आपको कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करेगा, आपको आइडियाज देगा, आपको जितना सपोर्ट वो कर सकते हैं आपको वो उतना सपोर्ट करेंगे, ताकि आप धीरे धीरे ग्रो करो एज एन आर्टिस्ट या एज ए लेबल, जैसे भी आपने उनके साथ साइन अप किया है, धीरे धीरे आप ग्रो करो। और ग्रो करोगे, जितना ग्रो करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा है और उतना ही ज्यादा बिलीव म्यूजिक को भी फायदा है। पांचवा पॉइंट जो अभी मैंने बताया था, विच इज फाइनेंशियल सपोर्ट। अब फाइनेंशियल
फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर इफ यू वांट एक म्यूजिक लेबल की तरह ही वो आपको कुछ फंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आपको अपना करियर बूस्ट करने में असिस्टेंस मिलेगी। देखिए आप जानते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप गाने बनाते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी करते हो, प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, रिकॉर्डिंग, म्यूजिक वीडियो शूट्स, उसके एडिट्स, ये सब करने में बहुत खर्चा लगता है। आप लो बजट भी कर सकते हो, बट इवेंचुअली जब आप ग्रो करते हो, क्वालिटी को हाई करते जाते हो, तो एक्सपेंसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाते हैं। और बिलीव कहता है कि हम, अगर आप चाहो, आपके लेवल के हिसाब से हम आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे ताकि आप फंड्स की कमी के चक्कर में अपना करियर पाथ को ग्रो करने से पीछे ना रुको। दे कैन हेल्प यू विद फंड्स, और उन्हीं फंड्स को यूज करके आप अपना करियर और आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। पर ये फंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जो वो आपको फंड्स देंगे, जब आपके गाने पैसे कमाएंगे, तो उसके बाद वो आपके फंड्स में से वो जितना उन्होंने आपको एडवांस दिया है, जैसे हम एडवांस बोलते हैं, जितना उन्होंने आपको एडवांस दिया है उतना वो पहले रिकूप करेंगे। रिकूप का मतलब उतना पहले वो अपने पास वापस लेंगे आपके शेयर में से, उसके बाद आपको बाकी का पैसा दिया जाएगा। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट एक बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट है जिससे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं बिलीव म्यूजिक का पार्ट बनना और बिलीव म्यूजिक का डैशबोर्ड यूज कर सॉन्ग्स रिलीज करना। ये तो हो गए पॉइंट्स कि बिलीव म्यूजिक एक्चुअली करता क्या है। अब इनके प्राइसिंग मॉडल, इनका कोई अलग से प्राइसिंग मॉडल है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिलीव म्यूजिक का, बिलीव म्यूजिक आपको फंड्स प्रोवाइड कर रहा है, आपकी ऑडियंस ग्रो करने में आपकी हेल्प कर रहा है, आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप ग्रो करो, और आप ग्रो करोगे तो ही आपको और बिलीव दोनों को फायदा होगा। क्योंकि बिलीव म्यूजिक आपसे कोई पैसे नहीं लेता डिस्ट्रीब्यूशन करने के, इनफैक्ट वो आपके अर्निंग्स में से परसेंटेज लेता है। और इसके अलावा इनके पास कोई और प्लान नहीं है। आप जितना भी कमाओगे उसका 20% बिलीव म्यूजिक रखेगा। दिस इज अप्रॉक्सीमेट एंड टेंटेटिव, ये आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट भी डिपेंड कर सकता है। बट मेरा एक स्टूडेंट है म्यूजिक बिजनेस कोर्स का, जो बिलीव म्यूजिक का डैशबोर्ड यूज करते हैं, उनका खुद का रिकॉर्ड लेबल है और काफी अच्छा रिकॉर्ड लेबल है उनका, काफी अच्छे लेवल पे चल रहा है। वो लोग बिलीव म्यूजिक को यूज करते हैं और उनकी अर्निंग्स का 20% बिलीव रखता है, बाकी उनको दिया जाता है। उन्होंने भी बिलीव म्यूजिक पे एडवांस लेने के लिए अप्लाई किया था फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। उन्होंने काफी बड़ा अमाउंट अप्लाई किया था और वो थोड़ा सा कम दे रहे थे उससे, तो उन्होंने वो डील कैंसिल कर दी। अब मैं अपने स्टूडेंट की बात कर रहा था म्यूजिक बिजनेस कोर्स में, तो आपको पहले ये भी बता देता हूँ बीच में कि मैं पर्सनली म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग एंड म्यूजिक बिजनेस, इन सब चीजों के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें मैं पर्सनली सबको ट्रेनिंग देता हूं। ऑफलाइन मेरे स्टूडियो में आकर भी सीख सकते हो, या फिर ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे जूम पर भी लाइव क्लासेस ले सकते हो और पूरी ट्रेनिंग ले सकते हो, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, अबाउट म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग एंड म्यूजिक बिजनेस। अभी ये सब कुछ डिस्काउंट पर चल रहा है। अगर आप चाहते हो मुझसे पर्सनली ट्रेनिंग लेना इन सब टॉपिक्स पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप वहां पर जाकर उस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या मेरी वेबसाइट पर जाकर भी कोर्स एनरोलमेंट का फॉर्म भर सकते हो। ओके, तो वापस आते हैं अपने वीडियो पे। अब इसके बाद हम प्राइसिंग की बात कर रहे थे। बिलीव लेता है 20%, और यही एक रीजन है कि वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं। जितना आप ग्रो करोगे उतना आपकी इनकम बढ़ेगी, जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतनी बिलीव म्यूजिक की इनकम बढ़ेगी। आई थिंक सो कि एक पॉइंट के बाद ना ऐसी डील्स बेस्ट होती हैं, क्योंकि वो आपको प्रमोट करने में ज्यादा हेल्प करना चाहेंगी खुद से, क्योंकि आप नहीं कमाओगे तो वो नहीं कमाएंगे। दे अर्न व्हेन यू अर्न, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप पैसा कमा पाए। अब आते हैं उस पे कि बिलीव म्यूजिक का डैशबोर्ड लिया कैसे जाए और उसका प्रोसेस क्या है। अब बिलीव म्यूजिक इंडिया की आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप बस गूगल कीजिए बिलीव म्यूजिक इंडिया, और वहां पर जाओ उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको कॉन्टैक्ट का फॉर्म मिलेगा, जहां पे आप एज अ आर्टिस्ट या लेबल की तरह उनको कॉन्टैक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, जैसे ट्यूनकोर या डिस्ट्रोकिड में होता है। आप जाओ, उनकी फीस भरो, उसके बाद आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, आपको जितने गाने रिलीज करने हैं करो। ऐसा नहीं होता बिलीव के साथ। अब वहां पे जाओगे आपको बाकायदा पूरा फॉर्म मिलेगा, उस पूरे फॉर्म में वो आपसे प्रॉपर डिटेल्स मांगेंगे, आपका नाम, आपका आर्टिस्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, बेसिक एड्रेस एंड ऑल, वो सारी डिटेल्स। उसके बाद आपका पहला गाना कब रिलीज हुआ था और आपका लास्ट सॉन्ग कब रिलीज हुआ था, इससे वो ये पता करते हैं कि आप कितने टाइम से इंडस्ट्री के अंदर हो, जितना भी आपने इंडस्ट्री में टाइम लगाया, आपने कितने सॉन्ग्स निकाले और आपकी एंगेजमेंट कैसी है बाकी लोगों के साथ। क्योंकि वो रैंडमली किसी भी नए आर्टिस्ट को या जिस आर्टिस्ट की कोई फेस वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिए फेस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी कोई फेस वैल्यू नहीं है, लोग आपके गाने सुनने के लिए वेट नहीं कर रहे, आपके कोई फैंस या फॉलोअर्स नहीं है अच्छे नंबर्स में, तो बिलीव म्यूजिक मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उस टाइम पे बिलीव को होगा लॉस। वो आपको डैशबोर्ड देंगे, आप गाने रिलीज करेंगे, वो आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे और 20% चार्ज करेंगे, लेकिन वो 20% उन्हें मिलेगा तब जब आप कुछ कमा रहे होगे। सो दे वांट कि आप ऑलरेडी किसी एक अच्छे लेवल पे हो, तब जाके आपको उनका डैशबोर्ड मिलेगा और तब ही आपको वो अपना डैशबोर्ड यूज करने देंगे, क्योंकि वो कंपनी लॉस में चली जाएगी अगर वो सबको ऐसे डैशबोर्ड बांटने लग गए। मैंने बीच में फेस वैल्यू का नाम लिया था। फेस वैल्यू एक्चुअली है क्या? फेस वैल्यू इज कि लोग आपको आपकी शक्ल से, आपकी पर्सनालिटी से कितना पहचानते हैं, कितने आपके फैंस हैं जो आपको फॉलो करते हैं। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरा फेस दिख रहा है आपको,
अगर ये वीडियो का थंबनेल के अंदर मेरा फेस है, आप मेरे इंस्टा पे जाके कहीं पे आपको कोई फोटो दिखेगी, और आप अगर मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो, और अगर नहीं देखते तो प्लीज देखना स्टार्ट कर दीजिए, आप मेरी अगर रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको ये फेस एक पॉइंट के बाद याद हो जाएगा। इंस्टा पे कहीं भी फोटो आएगी आप पहचान जाओगे अगर मैं उस फोटो में हुआ ये फेस देख के। तो दिस इज द फेस वैल्यू कि आप इंसान को उसकी शक्ल से जानते हो, और जब वो किसी म्यूजिक वीडियो या कोई गाना रिलीज करेंगे तो आप सीधा नाम सुनते ही उनके पास जाओगे उनका गाना सुनने। ये बाद में जज करोगे गाना अच्छा है या बुरा है, पर सबसे पहले आप जाते ही उनका गाना सुनोगे क्योंकि आप वेट कर रहे थे उस आर्टिस्ट का गाना आने के लिए, क्योंकि आपको वो आर्टिस्ट पसंद है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा फेस वैल्यू आपकी होगी उतना बेटर आपका चांस है बिलीव म्यूजिक के डैशबोर्ड को ओन करने का। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि उनके फॉर्म में क्या क्या चीजें होती हैं। तो उस फॉर्म में सबसे पहले जैसे मैंने बताया पर्सनल डिटेल्स के बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपका फर्स्ट रिलीज कब हुआ था और लास्ट रिलीज कब हुआ था, उसके बाद आपके स्पॉटिफाई पे नंबर ऑफ मंथली लिसनर्स कितने हैं, ये उनको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके 20 मंथली लिसनर या 10 मंथली लिसनर भी नहीं है स्पॉटिफाई पे, और बिलीव आपको डैशबोर्ड देके अपना खुद का लॉस नहीं करेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे वो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कितनी है, आप कहां कहां पर अवेलेबल हो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, जितने भी यूट्यूब और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर मेंशन होंगे, आपको वहां पे टिक करना होगा आप कहां कहां अवेलेबल हो। सिर्फ टिक नहीं करना, जब आप जिस प्लेटफॉर्म पर टिक करोगे उसके नीचे यूआरएल का बोर्ड आता जाएगा, अभी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको साथ साथ, वहां पर आपको भरना है अपना यूजर नेम हर जगह का या यूआरएल डालना है आपको, सो दैट वो लोग देख सके कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, या है भी या नहीं, आपने सिर्फ अकाउंट बना के दो फोटोज डाल के छोड़ी हुई है। इन्हीं सब बेसिस पे आपकी प्रोफाइल को जज किया जाता है, और इसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करोगे कुछ दिनों बाद, वो लोग रिव्यू करने के बाद आपको ईमेल करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। अगर अप्रूव हुई है तो कांग्रेचुलेशंस, आपको बिलीव म्यूजिक का डैशबोर्ड मिलेगा और आप अपने गाने बिलीव म्यूजिक के थ्रू रिलीज कर सकते हैं, और जितने भी उनकी सर्विसेज और जो भी वो पर्क्स देते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आप उन सबको अवेल कर सकते हो। लेकिन अगर रिजेक्ट होता है तो वो आपको ट्यूनकोर के बारे में भी बताते हैं। सो बेसिकली ट्यूनकोर एक सब ब्रांड है बिलीव का, वो उन आर्टिस्ट के लिए है जो अभी बिलीव के साथ करने के लिए रेडी नहीं है, मतलब हम तो रेडी हैं पर बिलीव के हिसाब से हम लोग अभी उनके साथ काम करने के लिए रेडी नहीं है। जिनका बिलीव म्यूजिक डैशबोर्ड अप्रूव नहीं होता, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी नहीं है, उनके नंबर ऑफ फैंस, फॉलोअर्स, मंथली लिसनर्स अच्छे नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉन्ग्स अच्छी नहीं है, और इसके साथ साथ वो आपसे एक और चीज पूछते हैं फॉर्म में, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या अपकमिंग सॉन्ग्स हैं जो आप बिलीव के साथ रिलीज करना चाहते हो उनका भी प्राइवेट लिंक मांगते हैं वो, ताकि वो सुन सके कि आप क्या क्वालिटी प्रोवाइड करोगे अगर आप उनके पास जाओगे, तो क्या गाना है और क्या लेवल चल रहा है आपके गाने की प्रोडक्शन वैल्यू का। अगर आपको बिलीव म्यूजिक का डैशबोर्ड नहीं मिलता, फिर वो आपको रीडायरेक्ट करते हैं कि आप उनके सब ब्रांड ट्यूनकोर के पास जाए, जो हर एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को अप्रूव करता है, उनको एक्सेप्ट करता है और उनको डैशबोर्ड देता है इन रिटर्न ऑफ सम फीस। और ट्यूनकोर के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है जो आप यहां ऊपर जाकर देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी है, आपने फॉर्म भरा फिर भी आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, लेकिन आप श्योर हो कि आपकी नंबर्स अच्छे हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी है, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स आपके म्यूजिक को लेकर एकदम प्रिपेयर्ड हैं, तो आप गूगल पे सर्च करो। मुझे सजेस्ट नहीं करना चाहिए बट स्टिल आई एम सजेस्टिंग कि आप गूगल पर जाकर सर्च करो कि आपका नियरेस्ट बिलीव म्यूजिक का ऑफिस कहां पे है, वहां पे जाओ, आप उनसे बात करो डायरेक्टली कि देखो देखो ऐसा चल रहा है, दिस इज माय बिजनेस, ये मेरे फॉलोअर्स हैं, इतने मेरे लिसनर्स हैं, और ये मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरे पास्ट प्रोजेक्ट्स हैं, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। तो देयर इज अ चांस कि शायद वो आपको कंसीडर कर ले देख के कि आप कितने सीरियस हो अपने बिजनेस में। अब इसके बाद आती है एक बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात, ये बहुत ज्यादा चल रहा है इंडस्ट्री में, आई डोंट नो व्हाई, और लोग इसके लिए कैसे मान जाते हैं मुझे इस बात को अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूं, बट स्टिल आप ऐसे स्कैम्स में मत फंसिएगा। हजारों लोग, इनफैक्ट मेरी भी कुछ वीडियोस के नीचे आपको कमेंट्स मिलेंगे कि भाई मेरे पास बिलीव म्यूजिक का डैशबोर्ड है, अगर चाहिए तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करो। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। बिलीव म्यूजिक उनका नहीं है या मेरा नहीं है। मैं भी आपको बोलूं कि भाई आप मुझे इतने पैसे दे दो मैं आपको डैशबोर्ड दे दूंगा, मैं कैसे दूंगा, मैं बिलीव म्यूजिक नहीं हूं, बिलीव म्यूजिक अलग कंपनी है, इस स्कैम में मत फंसिएगा। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, वो आपसे पैसे लेंगे, आपको चार्ज करेंगे और आपका म्यूजिक अपने बिलीव म्यूजिक के डैशबोर्ड से रिलीज कर देंगे। मैक्सिमम वो ये कर सकते हैं, या फिर आपको किसी ना किसी तरीके से टीम का मेंबर बना के अपने डैशबोर्ड में डाल देंगे, पर आपको अपना पर्सनल डैशबोर्ड आपके नाम का बिलीव पे कभी नहीं मिलेगा। तो इस चक्कर में फंसकर लोगों को पैसे मत देना। आई एम स्टिल वार्निंग यू गाइस, प्लीज इन स्कैम्स में मत फंसो। यहां पर फंसने से अच्छा है थोड़ी सी मेहनत करो, दूसरे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके पास जाओ, उनका डैशबोर्ड लो, अच्छे गाने बनाओ, रिलीज करो, प्रमोट करो, नंबर्स बढ़ाओ, बिलीव म्यूजिक खुद आएगा आपके पास। अगर नहीं भी आएगा तो आप जाओ उनके पास, दे विल एक्सेप्ट यू इफ यू हैव गुड नंबर्स। ट्यूनकोर के अंदर भी एक लेवल होता है, जब आप ट्यूनकोर पे रिलीज करते हो उसके अंदर एक लेवल होता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद, एक सर्टेन नंबर ऑफ स्ट्रीम्स के बाद और सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने के बाद आप डायरेक्टली बिलीव के लिए अप्रूव हो जाते हो। बिलीव अगर चाहे तो वो आपको अपने डैश
डैशबोर्ड में सीधा डाल लेगा। अगर आप ट्यूनकोर से रिलीज करते हो और ट्यूनकोर आपकी सक्सेस और आपकी प्रोग्रेस देख रहा है और उन्होंने देख लिया कि आप इस लेवल के ऊपर जा चुके हो कि आप इतने अच्छे फेस वैल्यू पे हो, इतने अच्छे रेवेन्यूज जनरेट कर रहे हो, इतने अच्छे आपके सॉन्ग्स चल रहे हैं, स्ट्रीम्स इतने अच्छे हैं, तो वो डायरेक्टली आप बिलीव के लिए अप्रूव हो जाते हो उसमें। दैट इज अनदर वे, बट उसके लिए फिर आपको मेहनत करके गाने रिलीज करके ट्यूनकोर पर अपना कुछ एक वजन बनाना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा म्यूजिक इंडस्ट्री में बिलीव म्यूजिक को ऑफिशियली लेने के लिए। प्लीज स्कैम में मत फंसना। अगर जो भी चीज मैंने आपको इस वीडियो में बताई अगर वो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मैं हर हफ्ते लाता हूं अपने चैनल पे और मैं चाहता हूं कि सब लोग ये नॉलेज लें। इस नॉलेज से कोई भी म्यूजिकल आर्टिस्ट या म्यूजिशियन जो इंडिपेंडेंटली खुद बड़ा बनना चाह रहा है वो छूटना नहीं चाहिए म्यूजिक बिजनेस की नॉलेज से। और अगर आप उन कोर्सेज के लिए रजिस्टर करना चाहते हो जो मैंने पहले बताए थे वीडियो के अंदर, म्यूजिक बिजनेस, म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग या ऑडियो इंजीनियरिंग, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और आपको वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा जहां पर आपका कोर्स की सारी डिटेल्स देख सकते हो और एनरोल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। हमने रिसेंटली अभी व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप बहुत हैंडी है, लोग पूरे दिन व्हाट्सएप यूज करते रहते हैं। अगर आप चाहो तो आप व्हाट्सएप चैनल का पार्ट बन सकते हो जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। उसका यूजर नेम भी आपको यहीं कहीं स्क्रीन पर मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा थैंक्स का बटन होगा यूट्यूब पे, आप चाहो तो प्लीज उसे प्रेस कर मुझे डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारी बातें बिलीव म्यूजिक के बारे में समझ आई हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में अगले हफ्ते नए टॉपिक, नई नॉलेज, नई इनसाइट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, सायोनारा।